ये रहा आपका पीजीटी केमिस्ट्री 2021 का क्वेश्चन पेपर, और हम देखेंगे इसके आंसर की यहाँ पे, और फटाफट देखेंगे शॉर्ट टेस्ट आंसर्स के साथ ताकि वीडियो छोटे छोटा रहे। बाकी डिटेल वीडियो अगर आपने देखना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दूसरा वीडियो थोड़ी देर बाद बनाने। यहाँ पे देखिए पहला सवाल कहता है इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है इनमें से? तो देखिए कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन होगी, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यही रिएक्शन आपकी वाटर शिफ्ट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपथिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका दिया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हम बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे हैस लॉ की मदद से। और 4 देखिए यहाँ पर कौन सा क्लोराइड का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा जिसका के कैटायन सबसे छोटा होगा, और ये होगा Mg के केस में, क्योंकि एनायन तो सब में सेम है। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ में पूछा है रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आप निकाल लेंगे मोल अपॉन कंसेंट्रेशन लीटर और 1 - n इंटू टाइम इन्वर्स से, क्लियर? तो टाइम इन्वर्स की जगह आप सेकेंड इन्वर्स रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीटर को आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और n की जगह रखेंगे, जीरो ऑर्डर की बात है तो जीरो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसमें अबाव रिएक्शन कौन सी है ये पूछी है, तो आप आंसर देंगे इसका बी, लवरेडी बर्न 1 रीअरेंजमेंट। 6 के बाद 7th पे चलते हैं, यहाँ पे ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय किस मैकेनिज्म से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो SNI मैकेनिज्म से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका होगा कार्बिन, कार्बिन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और उसके बाद 9th पे चलते हैं, द फॉलोइंग रिएजेंट रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट गैस, तो किसी आदर्श गैस के लिए दाब गुणांक होता है 1। नेक्स्ट, कौन सा एक थ्योरी यूज़ होती है होमोजेनस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने में, तो ये होगी पहली थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी CMP निकालनी है, तो अंडर रूट 2 RT/m होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, इनमें से किसका हाइड्रोलाइजेशन जल अपघटन सबसे तेज़ी से होगा, तो इनमें सबसे तेज़ी से होगा CH3O CH2Cl का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन जो है मेथिल के क्लोरीनेशन का रेट कम कर देता है, क्या बन जाता है ऐसा? तो बनते तो देखिए ये सब हैं, अब डिपेंड करता है कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है, इसलिए इसको हम आंसर नहीं कर रहे हैं। 14th, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर, में से कौन सा फैक्टर कोफैक्टर होता है, तो ये आपकी एक तो मेटल होती है मॉलिब्डेनम जो यहाँ पे दी है, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि Fe यहाँ पे दी नहीं है, Fe भी होता है। अब देखिए 15 नंबर सवाल, उनमें से किस अम्ल का गलनांक सर्वाधिक है, तो ये होगा आपका एमिनो एसिटिक एसिड। 16, एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टन कंडीशन ये कौन सा होता है, तो ये आपका होता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्मियम रेट ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ये रिडक्शन तो होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सी सही, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और प्रोटीन स्टेबलाइज होगी किसकी बदौलत से, तो ये होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की बदौलत, ऑप्शन सी करेक्ट है। 4, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा GP इज जीरो, ये जीरो होती है। 10, 20, वर्क डन इन डिजॉल्विंग 1 mole ऑफ जिंक इन एक्वस SCl इन ओपन बीकर है 27 डिग्री पे करेंगे, तो ऑप्शन देखिए बनेगा आपका 24.94 जूल, क्योंकि ऊपर अगर इसको जूल में को किलो जूल में बदलेंगे तो ये आंसर तो नहीं बनेगा ना, तो ऑप्शन सी ही बनेगा। और इसे हम निकालेंगे कैसे, पहले हम W निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन W निकलेगा नहीं चूँकि हमें V भी चाहिएगा, तो V हम कैसे निकालेंगे, V हम निकालेंगे दूसरे फॉर्मूले से, -P ΔV ये होता है, और V हम निकालेंगे PV = nRT से, तो V = हो जाएगा nRT/P, पी होगा 1 atmospheric pressure, 1 atm, 1 रखेंगे इसकी जगह पर, n रखेंगे 1, और R की वैल्यू रखेंगे टेम्परेचर रख देंगे 300 डिग्री, क्योंकि 27 डिग्री को आप केल्विन में बदलोगे 27 डिग्री सेल्सियस को, तो ये हो जाएगा 300। सॉल्व करोगे
तो यहाँ से जो पी की वैल्यू निकलेगी वो आप इसमें ले जाओगे, सॉरी वी की वैल्यू, और फिर पी की वैल्यू 180 रख करके आप आंसर ले आएंगे और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 24.94 जूल। अगला कहता है टेम्परेचर अबव विच रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज नोन एज, तो ऐसा टेम्परेचर कह रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे आपका। 22 नंबर देखिए सी वी 402 एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू एज्यूम 20% वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन एट रूम टेम्परेचर, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 23 इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज दिस, तो इसका आंसर आपका बनेगा 0.822 वोल्ट, और इसको निकालेंगे आप इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 इंटू लॉग ए अपॉन मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन दी हुई है, इसने पूछा है पी क्या होगा, तो पी आपको मिलेगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 25 हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म बेंजिल एल्डिहाइड, तो बेंजिल एल्डिहाइड बनेगा आपका बेंजिल क्लोराइड से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे 26 सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2, तो देखिए क्वांटम यील्ड यहाँ पे हर एक रिएक्शन की अलग अलग है, ये इसकी होती है 3, इसकी होती है 1, इसकी होती है 2 और इसकी भी होती है 1, तो 2 वाली पूछिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे ओम में और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है 27 डिग्री पे, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो देखिए सेल कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो सी सी इज इक्वल टू के इंटू आर, यहाँ से कप्पा निकालेंगे, के की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप रखेंगे कहाँ पे। ये एक और इक्वेशन होती है हमारे पास लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, तो यहाँ पर के की वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका जो आएगा वो आएगा जो डी में दिया है। 28 नंबर मैच करना है इस क्वेश्चन में भी, लोचा है देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम व्हाइट वॉश में यूज़ करते हैं तो बी तो इसका होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एंटासिड में यूज़ होता है तो बी और सी इसके दोनों हो सकते हैं। अगर बी और सी मान के चलें तो बी और डी आंसर बन सकते थे, लेकिन आगे जा करके लपड़ा ये है कि NaCl हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि 2 का हो जाएगा डी, बिल्कुल ठीक है। तो इसी हिसाब से भी आपका बी सही बनता है अभी तक, लेकिन आगे जाकर दिक्कत और बढ़ेगी। CSO4 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्टैचू वगैरह बनाने में करते हैं, तो 3 का ए हो जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन CSO3 का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, एंटासिड में कर नहीं सकते, इसके हिसाब से एंटासिड होना चाहिए तो एंटासिड में इसका इस्तेमाल होता नहीं है। अब बचता क्या, कोई और सूटेबल ऑप्शन बचा नहीं है, तो अब देखते हैं आयोग क्या करता है इस क्वेश्चन। सवाल है आपका ये कहता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो लेफ्ट राइट में रहना पसंद करेगी, मतलब रिएक्शन नहीं होना पसंद करेगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहती, तो ऑप्शन सी देखिए इसको आप समझा सकते हैं HSAB से, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड जो एसिड बेस थ्योरी है उससे, HSAB थ्योरी से, तो हार्ड एसिड के साथ रहना पसंद करता है, और सॉरी हार्ड बेस के साथ रहना पसंद करता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रहना पसंद करेगा, तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पे सी, ये आपका बी दिया है, इसमें बी क्या है, सॉरी बी आपका हार्ड एसिड है और ये जिसके साथ रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बना हुआ हुआ है ऑलरेडी F2, ये भी हार्ड बेस है, तो बी F2 का कॉम्बिनेशन टूटना नहीं चाहेगा, रिएक्शन आगे नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही इसका दूसरा जो कंपोनेंट है HGI2, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि HG भी स्ट्रॉन्ग क्या है, सॉरी सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट एसिड है, सॉरी HG इज ए सॉफ्ट एसिड और ये I2 जो है ये सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रहना पसंद करता है, इसलिए ये दोनों आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर द मोस्ट सूटेबल एल्कली मेटल टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ N2 फ्रॉम हाईली प्योर ऑर्गन गैस इज, तो ये होती है लिथियम। आगे देखेंगे 31 नंबर नंबर ऑफ CO बॉन्ड इन क्रोमियम, ये होते हैं 8, आंसर कर देना कहीं पर अगर गलती हो जाए धोखे से, तो बस तो कोशिश है कि धोखा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, तो ये जो कोलाइड है आपका S2O3 ये होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव विद मैक्सिमम पावर, ये है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सोलेनियम डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा CH3COOH, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 34 नंबर HNO3 कैसे यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो ये एज ए बेस काम करेगा। और आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, देखिए ये दिया है आप एक रिएक्शन P2O5 के साथ और पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन क्या होगा, तो C6H5CN इसमें होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉम्सन कोफिशियंट इज, तो ये इसमें भी लोचा है, यहाँ पे अगर ये CP हो जाए तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर भी मैक्सिमम आंसर यही सही है,
75% आप कह ही सकते हो। द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज ओनली वैलिड फॉर टू ऑल ऑफ दीज, सारी रिएक्शन के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप देखेंगे पेयर ऑफ आयन दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज विद कोऑर्डिनेशन नंबर टू, कोऑर्डिनेशन नंबर टू वाले कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन सा आयन बनाएगा, तो सी यू एच जी और ए जी, ये तीनों बनाते हैं सी यू एच जी एंड ए जी। ठीक है, तो सी यू और एच जी हमें मिलते हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी में हाँ ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके अलावा सी यू और एच जी दोनों वन में ना, ऑक्सीडेशन वन स्टेट वन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन ये कौन सी कहलाती है, तो ये कहलाती है चिंची बेबिन, बी करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम, तो देखिए 40 नंबर में कहता है कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ द सेंट्रल मेटल एटम एम इज जिंक प्लस टू में होगा, तो ये नहीं बनाएगा। आगे दिया है विच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टोसिन ऑन रिएक्शन विद एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन के साथ कौन होगा यहाँ पे, तो बेंजाइन होना चाहिए ऑप्शन ए। 42 देखिए विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विद एसीएन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, तो ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। अब देखिए 43 नंबर कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वन ऑफ गिवन लेंथनॉइड आयन इज यूज एज ए वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में अपॉप्शन ये मुझसे पढ़ाने जा रहा हिंदी में, चलिए आप इसको ये होता है आपका सी प्लस फोर में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये, तो प्रोडक्ट आपके बी सी और डी तीनों बनेंगे। अब देखते हैं आयोग किसको मानता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया गया कितने टेम्परेचर पर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत तो है। 45 नंबर सवाल आप देखेंगे, ये कहता है ऑर्थोबोरिक एसिड में H3BO3 जो है उसमें ट्राइगोनल BO3 -3 यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू कैसे, किस बॉन्ड से बंधे होते हैं ये, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन टू टू डायमेंशन शीट, ये होते हैं। कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पूछा कि इन ऑर्डर्स क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट का, तो BR सबसे पहला आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट देखें हम तो BR सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद PY लिख देते हैं, BR सबसे ज़्यादा, उसके बाद PY और उसके बाद होता है आपका क्लोरीन, तो BR सबसे पहले अपने सामने से NH3 को हटा देगा। ठीक है, तो ऑर्डर सही आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हाफ लाइफ फॉर द ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दी हुई है, तो आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, तो के इज इक्वल टू होता है आपका 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ आपको 200 सेकेंड में दिया हुआ है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मोस्ट स्ट्रॉन्ग तब होगा जो कि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे कुछ भी माइनस आई लग रहा हो, चाहे प्लस आई लग रहा हो, चाहे रेजोनेंस हो, कुछ भी हो, ऐसे केस में ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। इन लिक्विड अमोनिया सल्फामिक एसिड बिहेव्स एज, तो ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये हमें अभी नहीं आ रहा है, इसको देख कर बताएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एट आर इक्वल, जब कंसंट्रेशन इक्वल हो तो क्या होगा, सेलेक्ट द सॉल्यूशन विद हाईएस्ट बीपी, तो बीपी किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, और पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये मार्शल एसिड बनेगा। और 52 विच आयन पजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बनाएगा आपका बी वाला, क्योंकि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, इन 7 में से 4 वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और 3 बचेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है उसके पास, तो 4 और बचे हैं, मतलब 2 लोन पेयर, तो यहाँ से sp3d2 बन जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 सिलेंड्रिकल सिमेट्री किसकी है इनमें से, तो ये होती है इथाइन की। और आगे देखिए यहाँ पर मिलर इंडिसेस पूछे हैं, तो यहाँ से देखिए 2A से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा 1, इनको आप पलट दीजिए 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप 6, एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को (6×6×6×6) और अल्टीमेटली आपको यहाँ से मिलेगा 3, 2 और 6, तो 326 आंसर कौन सा डी सही हो जाएगा। आगे दिया 55 नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन टेक्स प्लेस प्रेफरेबली एट विच पोजीशन, तो ये पोजीशन नंबर 8 पे होता है,
प्रोफेबली एग्जाम्पल ऑफ ए वेट डाई इज इंडिगो। और उसके बाद देखिए 57 का ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा एनायन है, तो ये सबसे पहला आएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होने वाला, टेनो टू यहाँ पे लगा है पैरा पोजिशन पर, ये सबसे ऊपर जाएगा, फोर्थ ऊपर आते ही ऑर्डर आपको बन जाएगा, ये आंसर तो ये बन जाएगा। और बाकी आप देख लो इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद ये आपका यहाँ पे ये दूसरा थर्ड आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी NO2 लगा है, भले मेटा पोजिशन पे लगा है। उसके बाद ये देखिए ये CH3 लगा है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, एसिडिटी सबसे कम होगी, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, और उससे पहले आ जाएगा फिनोल। अब आप चलती है 59 पे, तो यहाँ पे पूछा विच ग्रुप ऑफ द कैटायन द मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी गिवन बाय स्पिन ओनली फार्मूला। स्पिन ओनली फार्मूला से हम किसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, तो उसी का निकाल सकते हैं जिसमें एफ ऑर्बिटल या तो फुल्ली या पार्शियली, फुल्ली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो ऐसा किस केस में होगा, GD+3 और LU+3 के केस में। आगे देखेंगे ये 3G यूरिया लिया है इसने, 45 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर निकालना है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 61 देखिए बचा, तो फॉलोइंग विल नॉट गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो इनमें हेलो फॉर्म रिएक्शन ये तो नहीं देगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है इसके साथ, ठीक है, इसके लिए भी 3 इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, ये भी नहीं देगा, यहाँ पे 3 है क्या, ये इसके पास भी इधर 3 है, तो ये भी नहीं देगा। अब हम चलते हैं डी में, तो ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये दे देगा। अब देखिए द करेक्ट सेट ऑफ मैजिक नंबर फॉर न्यूक्लियर सेल इज, तो देखिए 32 वाला तो नहीं होगा, जाना 32 वाला यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका होना चाहिए। 63 इन द 3 हेट्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल फ्यूरान पायरोल और थायोफिन, तो इनका ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी पूछा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो एरोमेटिक होता है वो होता है थायोफिन, और थायोफिन होते ही आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक आयन दिया है M+2, फॉर्म द कॉम्प्लेक्स दिस मैच द कॉम्प्लेक्स विद अप्रोप्रिएट कलर, तो कलर बताने यहाँ पे कौन कौन से होंगे, तो जिसकी जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो वेवलेंथ कम देगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब बी ब्लू सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। अब क्या पूछा है 65 में, अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H3O+ विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज वन, ये तो ठीक है, लेकिन आगे जा करके बट इन केस ऑफ ओ इन H3O+ दो है, नहीं ये दो नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, किसी पे बेस्ड है, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे तो बेस्ड है, सबसे अच्छा आंसर तो यही लग रहा है, बाकी क्वांटम मैकेनिक्स भी इसका आंसर हो सकता है, देखते हैं आयोग क्या बताता है, क्या मानता है। 66 देखिए अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट स्टेबल स्पेसीज कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल हैं वो कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि CFSE भी उन्हीं की ज़्यादा होगी, तो आप देखिए ऑप्शन डी में ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा और ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ठीक है, और किसी में ऐसा है ऑक्टाहेड्रल बना रहा, नहीं, तो यही आपका सबसे स्टेबल होगा। अब देखिए 68 कहता है कि इतनी शुगर परसेंटेज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद इतने अननोन सॉल्यूशन, इतने परसेंट अननोन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी, तो ये आएगा आपका 60। नेक्स्ट 69 देखिए मोनोबेसिक एसिड हैज़ ए डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट ए कंसंट्रेशन ऑफ दिस एट द सेम टेम्परेचर वुड बी, तो ये आएगा आपका 0.00489। 70 विच आर द फॉलोइंग मेटल एंजाइम Do not contain zinc, तो ये होता है नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। 71 द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर आर, तो ये कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 3। और 72 पे चलिए द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड साइलेंस द वन विच गिव राइज टू क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस इज, तो कौन सा देगा इनमें से, इनमें से देगा आपका सी। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73 पे, तो 73 का देखिए द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू यील्ड ओसाजोन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 3।
अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में ऑर्डर पूछा है, गोल्ड नंबर और क्वालिटी सोल्यूशन ये दिए हुए हैं, तो गोल्ड नंबर जिसका सबसे ज़्यादा है उसका पावर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम हो जाएगी, तो सी की सॉरी सबसे ज़्यादा, हाँ इसकी सबसे ज़्यादा होगी उसी की सबसे कम होगी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ए का गोल्ड नंबर सबसे कम है तो इसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होगी। 75 नंबर देखिए, ये अच्छा सवाल नहीं है, इसमें साइंटिस्ट का नाम ही सीधे पूछ लिया, वैसे इसका आंसर होना चाहिए ए। और 76 पे चलते हैं, 76 में पूछा इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन क्या देता है, तो ये देगा आपका CH3COO। 77 नंबर, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस किस में होगा, तो इसमें डी ऑर्बिटल होगा और ये होगा आपका CCl3 में। 78 नंबर पे चलिए, क्लोरोक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग वाइल मॉलिब्डेट एंड टंगस्टेट्स आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज MO एंड W आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब उसको ज़्यादा नंबर हो रहा है थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, 79 का देखिए, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए और बी बनेंगे वो बनेंगे आपके ये। और 80 नंबर पे चलते हैं, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्राइमरी प्रोसेसेस, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने दिया था ये, स्टार्क ने दिया था। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन ये दी हुई है, यहाँ पर पूछा कि ये क्या कहलाती है, तो रिटार्ड रिएक्शन कहलाती है, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। अब देखिए मोस्ट स्टेबल पूछा है, इनमें से कौन सा होगा, तो ये होगा आपका फोर्थ कार्बनाइन। और अब हम चलते हैं 83 नंबर पे, यहाँ पे ये दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री इसकी पूछी है, तो ये 8 होगी और हेक्सागोनल बाइपिरामिडल होगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। 84 देखिए, सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री, तो ये आपका होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के केस में नाइदर ए इज इक्वल टू बी नॉर बी इज इक्वल टू सी, ना तो ए बी सी इक्वल होते हैं, ना अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, ना वो 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, 85 पे चलते हैं, विद फ्रंटन रेजेंट ट्यूबेटानॉल फॉर्म्स, क्या बनाएगा ट्यूबेटानॉल, तो ये आपका बनाएगा देखिए दोनों तरफ इसमें CH3 लगा होगा, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और 86 में CFSC पूछी है, दी हुई है इसकी, तो टेट्रा हेडल के लिए पूछी है कितनी आ जाएगी, तो टेट्रा हेडल के लिए होती है 4/9, इसको हम कर देंगे 4/9 इंटू ऑक्टा हेडल, तो ये दी है 18,000, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नाउ 87 कहता है, कॉर्नेट प्रमेय का परिणाम निम्न की अवधारणा है, तो ये वैसे तो इंटरनल एनर्जी इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है, बट और ऑप्शन भी इसमें एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह भी हैं, लेकिन शायद बी ही आयोग इसका आंसर मानेगा। NOCl और NO3 एक्टिन लिक्विड N2O4 टू प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं ये, तो ये आपके बनाएंगे N2O4 एंड NaCl, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 89, तो ये बैट रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है सॉरी। उसके बाद 90 पे देखिए, तो ये क्या आंसर आएगा, 3/2 KT। और आगे चलते हैं 91 कलोमल इलेक्ट्रोड, ये एक किस टाइप का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये, और मेटल इनसॉल्यूबल, मेटल आयन इनसॉल्यूबल सेम एन इलेक्ट्रोड, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। व्हाट इज फोरोन, फोरोन यहाँ पे क्या है, तो फोरोन होगा आपका ये, ऑप्शन ए में दिया है, होल्ड ऑन। उसके बाद ये रेनियम का कोई कंपाउंड है, इसमें क्या है, तो इसमें होंगे क्वाड्रपल बॉन्ड बिटवीन टू रेनियम मेटल आयंस, सो ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा, सॉरी। और 94 देखिए, यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी है SI सिस्टम में, तो इसमें सी तो सही है ही है, लेकिन डी भी सही है, दोनों सही हैं, जो कि क्या कहते हैं आपको, सीमेन और ओम इनवर्स एक ही होता है, तो दोनों सही हो जाएंगे। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर मानेगा। अब आप देखिए 95 में यहाँ पे दिया है हमें डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी से हम निकालेंगे, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 1, और यहाँ पे दिया आधा, और यहाँ पे दिया है 1, तो माइनस करेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, तो हाफ आ जाएगी, तो हाफ रखेंगे और आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, आंसर बनेगा आपका सी। 96 को देखिए, 96 में आपका आंसर बनेगा सी, क्योंकि
रिचेज टू एन ऑप्टिमम वैल्यू और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और 90 जस्ट वॉन्ट क्या बी या सी सॉरी सी या डी में से एक आंसर इसमें बनेगा। देखते हैं आयोग क्या मानता है। 98 कहता है द फॉलोइंग डज नॉट ऑबी ई एन रूल, तो ई एन रूल फॉलो नहीं करेगा ये, क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वेनेडियम के होते हैं 23, 35 हो जाएंगे, 12 और 23 35। 99 देखिए, 99 का आपका आंसर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, देवर बेंजीन इनमें से कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी बाईसाइक्लो 220 हेक्साडाइन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 101 में देखिए तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, NaCl O3 एंड CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। 102 देखिए क्या कहता है, पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर एज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। और 103 में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा AgI2 सॉरी माइनस, क्योंकि आपको पता कि Ag कैसा है, वीक एसिड है, और I2 भी वीक बेस है, तो ये दोनों जो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी है यहाँ पे, तो ये होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे पी पूछा है कि पी क्या बनेगा, तो पी आपका यहाँ पे बनेगा Cl, हटा दो यहाँ पे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 106 नंबर देखिए, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन सम ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन बिलो, इन विच केस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन एज पर द स्पिन सिलेक्शन रूल, तो ये होगा आपका K2G6 Eg3, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जब टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट लोएस्ट कब होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा तब जो ये ऐसा होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखिए दो नोड दिए हुए हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, और छोटे करते करते भी जो है आधा घंटे ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। 109 का आपका आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, और उसके बाद चलते हैं हम 110 पे, तो 110 में आपका आंसर बनेगा बी। अब हम 111 पे आ गए हैं, रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ डायोटोमिक गैस, तो ये कितनी होनी चाहिए डायोटोमिक के लिए, ये तो मोनोटोमिक के लिए, डायोटोमिक के लिए 1.4 होनी चाहिए और ये आ रही है 1.3, तो ये भी दिक्कत वाला सवाल है। देखिए क्या आता है आंसर इसका, 112 नंबर देखिए, विच आर अंडरगोज ऑन डायरल्डर रिएक्शन, तो ये होगा आपका फ्यूरॉन। उसके बाद 113 नंबर को देखिए, एलिन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, क्या देता है एलिन, तो ये आपका देगा CH3CO CoH, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 114 पे देखिए, डॉक्टर हेटल कॉम्प्लेक्स विच शोज बोथ फेस एंड मर आइसोमर्स, तो ये आपका होगा डाइक्लोरो डाइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट 3, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, CFSC विल बी हाईएस्ट फोर, किसके लिए हाईएस्ट होगी ये आपकी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिए, द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, इसमें नहीं बनता ये, ठीक है। और 117 में चलते हैं, मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है, तो Cs+ आयन इज हार्डर देन लिथियम आयन, नहीं ये सॉफ्ट होता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 118 देखिए, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, तो ये कोलरॉस लॉ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 119 पे, होल्ड ऑन, यहाँ पे हमसे पूछा है फेनांथ्रीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपकी होती है 9 और 10, ऑप्शन बी आपका आंसर है। और उसके बाद हम चलेंगे 120 पे, तो 120 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जीज इज, तो Mn4 माइनस सबसे ऊपर रहेगा, सबसे आगे यहाँ, और ऑप्शन यहाँ पे बनेगा बी।
ठीक है, उसके बाद चलते हैं 121 नंबर। 121 नंबर में पूछा अबाउ मेंशन कंपाउंड इज परफेक्टली टर्म्स एट, क्या कहलाता है ये? तो प्रोटॉन स्पॉन्ज कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए 122 नंबर पे, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी है और ये डिसोसिएशन, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे 92.3 को, तो आपका 75.8 किलो जूल हो जाएगी। उसके बाद 123 नंबर देखिए एक्सप्रेशन ये क्या है, तो ये एक्सप्रेशन आपका लैम्बर्ट बियर लॉ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चलिए देखिए फोर्स पी सी एल फाइव प्लस फोर एन एच थ्री क्या बनाएंगे, द एफोर मेंशन रिएक्शन यील्ड क्या बनाता है ये? तो ये बनाएगा आपका पी एन सी एल टू होल फोर और 12 एच सी एल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ज्योमेट्रीज ऑफ दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली, तो पिरामिडल होगा और प्लानर, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके टोटल 125 सवाल हो गए। डिटेल वीडियो आप दूसरी डिटेल सॉल्यूशन आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस, सो सी यू।